잡고. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आप सभी का कैलिफोर्निया 30 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा कैलिफोर्निया 30 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए स्मॉल बिजनेस आइडिया, मोटिवेशनल स्टोरी, स्टार्टअप स्टोरी और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आते हैं। और आज इसी सीरीज़ में इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो इंस्पिरेशनल स्टोरी है भारतीय उद्योगपति, समाजसेवी और दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मालिक एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल, जिन्हें दुनिया के गिने चुने चुने सफल लोगों में गिना जाता है। उनकी एयरटेल कंपनी भारत की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उनकी कंपनी दुनिया के 8 देशों में है और इस कंपनी के 372 मिलियन कस्टमर्स है। लेकिन दोस्तों, ये सफलता जो मित्तल साहब को जो सफलता मिली है वो यूं ही नहीं मिली है, उसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत और कोशिश है और उसका ही फल है कि उन्हें ये सफलता मिली है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन और फाउंडर है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 में पंजाब के लुधियाना में हुआ है। उनके पिताजी का नाम सतपाल मित्तल है, वो पॉलिटिशियन थे और वो सांसद भी रह चुके हैं। 1952 में उनके पिता की डेथ हो गई और मित्तल साहब जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से आर्ट्स और साइंस में ग्रेजुएट है। मित्तल साहब का कहना है कि उनको पढ़ाई और लिखाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बचपन से ही वो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते थे, इसलिए महज 18 साल की उम्र में ही वो बिज़नेस में अपना पहला उन्होंने बिज़नेस में अपना पहला कदम रखा। अपने पिता से उन्होंने 20,000 रुपये उधार लेकर साइकिल का एक पार्ट बनाने लगे। कुछ दिनों तक साइकिल का ये पार्ट बनाने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस बिज़नेस में अगर इस बिज़नेस में अपना टाइम देकर वो ज़्यादा सफल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया और फिर वो मुंबई की तरफ चल दिए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने 1981 में इम्पोर्ट लाइसेंस खरीदा और इम्पोर्ट जेनसेट, जापान से जो जेनसेट आते हैं वो इम्पोर्ट करने लगे और बेचने लगे। इस बिज़नेस में उन्होंने खूब फायदा हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि मित्तल साहब इस लाइन में पूरी तरह सेट हो चुके हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में जेनसेट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और यहाँ पर ही, मतलब इंडिया में ही 4 कंपनियों को जेनसेट बनाने का काम दे दिया। हालांकि इस घटना से मित्तल साहब ने हार नहीं मानी, इंपोर्ट का उनका जो जेनसेट इंपोर्ट का काम था वो बंद हो गया, लेकिन इस घटना से वो पीछे चले नहीं गए, हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से नया कुछ करने की ठान ली। सीख लिया कि अगर आगे जाकर ऐसा मौका आता है तो इसका फायदा जरूर उठाएगा। आगे भी मित्तल साहब अलग अलग काम करते रहे। 1984 में उन्होंने ताइवान से पुश बटन फ़ोन इंपोर्ट करके बेचने का काम किया, क्योंकि अभी तक भारत में वही पुराने फ़ोन यूज किए जा रहे थे जिसे नंबर को दबाकर घुमाना पड़ता था। 1990 में मित्तल साहब ने फैक्स मशीन और वायरलेस फ़ोन भी बेचे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सुनील मित्तल साहब की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। 1992 में उन्होंने भारत में नीलाम किए जा रहे मोबाइल फ़ोन लाइसेंस नेटवर्क के लिए बोली लगाई और 4 कंपनियों में से एक कंपनी बेल को भी लाइसेंस मिल गया। हालांकि उन्हें यहां पर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लाइसेंस लेने वालों के लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि उनके पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ एक्सपीरियंस हो, उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा। इसलिए मित्तल साहब ने फ्रेंच के एक कंपनी के साथ समझौता किया और इस समस्या को भी दूर भगा दिया। यहाँ से सुनील मित्तल और उनकी कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एयरटेल ब्रांड नेम के साथ 20 लाख ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया। 20 लाख ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली भारत की सबसे पहली कंपनी एयरटेल बनी
मौजूदा समय में एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 372 मिलियन है। सोशल कॉजेस के लिए भी मित्तल साहब, सुनील मित्तल साहब को पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया है। भारती और वो भारती फाउंडेशन नाम की एक सोशल सर्विस का एक प्रतिष्ठान संस्था चलाते हैं। मित्तल साहब की लाइफ हम सभी को, सभी के लिए प्रेरणादायक है। वो कई बार गिरे लेकिन कुछ पाने की चाहत में उठते रहे और आपके सामने उसका रिजल्ट आज आप सभी को या मुझे, आपको सभी को, हम सभी को दिख रहा है कि मित्तल साहब क्या थे और किस तरह से उन्होंने 20,000 से लेकर करोड़ों लाखों की कंपनी शुरू कर दी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस देखते रहिए। जय हिंद।